पहला विश्राम। यीशु क्रिस्त को प्राण दंड की आज्ञा दी जाती है। हे क्रिस्त, तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं। तुम लोग इस मनुष्य पर कौन सा दोष लगाते हो? महामहिम राज्यपाल पिलातुस महोदय, यह मनुष्य नाजरी निवासी यीशु हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है। क्या ये लोग जो कह रहे हैं सही है? इसके पास जवाब ही नहीं है, इसे प्राण दंड दीजिए। प्राण दंड? लेकिन प्राण दंड के लिए मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। राज्यपाल महोदय, यह कैसर को कर देने से लोगों को मना करता है, अपने आप को राजा कहता है। क्या आप यहूदियों के राजा हो? हमारा नहीं तो किसका है? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं है। तो तू राजा है? आप सच ही कहते हैं, मैं राजा ही हूं। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी वाणी सुनता है। महाराज प्रणाम। यहूदियों के राजा की जय। यहूदियों के साम्राज्य की जय हो। मैं इस धर्मात्मा का दोषी नहीं हूं, इसे तुम लोग जानो। इसका रक्त हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। पिलातुस तो जानते हैं कि यीशु बिल्कुल निर्दोष है, किंतु इसके बावजूद भीड़ के पिलातुस द्वारा कृष हस्तरे कृष